एक बार की बात है, चार दोस्त राहुल, विजय, अक्षिता और पिंकी एक साथ अमेरिका में फ्लैट लेकर साथ रहते थे। 25 दिसंबर के दिन चारों क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी करते हैं। एक घंटे के बाद अचानक पिंकी बेहोश हो गई और मर गई। फिर तीनों को इस बात का पता लगता है तो वो पुलिस को कॉल करके वहां बुलाते हैं। पुलिस तीनों से पूछती है कि जब पिंकी के साथ हादसा हुआ तब आप क्या कर रहे थे। राहुल बताता है कि मैं तो अपने रूम में टीवी देख रहा था और टीवी की आवाज भी बहुत तेज थी तो मुझे बाहर का कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विजय बताता है कि मैं तो घर के बाहर कार पार्किंग में था, घर में क्या हो रहा था मुझे तो कुछ भी नहीं पता। फिर अक्षिता बताती है कि मैं तो क्रिसमस ट्री को बॉल से डेकोरेट कर रही थी। पुलिस तीनों की बात अच्छे से सुनते हैं और घर को देखते हैं और समझ जाते हैं कि किलर कौन है। दोस्तों, इन तीनों में से किलर कौन है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। किलर का नाम पता लगाना बिल्कुल आसान है। अगर आपने ध्यान से इन तीनों की बात सुनी होगी तो आपको पता लग गया होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ किलर कौन है। किलर है अक्षिता। अक्षिता ने पुलिस को बताया कि वो क्रिसमस ट्री को बॉल से डेकोरेट कर रही थी, लेकिन क्रिसमस ट्री पर तो कोई बॉल नहीं है, तो मतलब अक्षिता झूठ बोल रही है, उसी ने ही पिंकी को मारा है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। एक बार विपिन अपने तीन दोस्तों के साथ अपने घर लंदन में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। क्रिसमस सेलिब्रेट करते हुए उनको काफी रात हो जाती है और विपिन अपने रूम में और विपिन के दोस्त भी अलग रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी अगले दिन सुबह विपिन अपने रूम में मरा हुआ मिलता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है और विपिन की दोस्तों से पूछताछ करती है। निशा बताती है कि मैं तो सुबह जल्दी कुछ काम से चली गई थी, जब घर आई तो देखा विपिन अपने रूम में मरा हुआ था। फिर पारुल बताती है, मैं तो सुबह स्विमिंग और सनबाथ लेने बाहर बीच पर चली गई थी। और फिर नेहा बताती है कि मैं तो म्यूजियम देखने चली गई थी, मैंने पारुल से चलने के लिए पूछा था लेकिन पारुल ने मना कर दिया। दोस्तों, इन तीनों में से किलर कौन है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। किलर है पारुल। पारुल ने पुलिस को बताया कि वो सुबह स्विमिंग और सनबाथ लेने बाहर बीच पर चली गई थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि वो सब क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे और क्रिसमस तो विंटर में आता है, तो पारुल कैसे इतनी ठंड में स्विमिंग कर सकती है, वो झूठ बोल रही है, उसी ने ही मारा है विपिन को। दोस्तों, अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस पहेली पर एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलना। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है और उस पिक्चर में तीन घर हैं, लेकिन उन तीनों घर में से एक घर में कैदी छुपा है और वो भागने की फिराक में है। अब आपको 1, 2, 3 घर को देखना है और बताना है कि कैदी कौन से घर में है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। अगर वो 3 नंबर वाले घर में छुपा है तो वो कार लेकर भागेगा, तो वह पहले कार को बैक लेगा फिर आगे जाएगा, तो आसान नहीं है। दूसरे नंबर वाले घर में भी पहले बैक लेगा फिर आगे जाएगा, तो यह भी आसान नहीं है। तो कैदी भागेगा 1 नंबर वाले घर से, सीधा और आसानी से निकल सकेगा।
चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, आपको उस पिक्चर को ध्यान से देखना है और बताना है कि किलर कौन है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये लड़की किलर है, ये देखिए इसके बैग में चाकू है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है कि ये आंख किस जानवर की है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये है मेंढक की आंख। चलिए अब बताइए ये किसकी आंख है। ये है बिल्ली की आंख। अब ये बताइए। ये है उल्लू की आंख। चलिए अब बताइए ये किसकी आंख है। ये है टाइगर की। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों अब आपको बताना है कि कौन सा फ्लावर है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये है बटरफ्लाई पी फ्लावर, यानी अपराजिता का फूल। अब बताइए ये कौन सा फ्लावर है। इसका भी आंसर देखते हैं। ये है पॉट मैरीगोल्ड, यानी गले अशरफी। ये कौन सा फूल है। ये है जैस्मीन, यानी चमेली का फूल। अब बताओ ये कौन सा है। ये है फ्रेंगीपानी, यानी गुलांची। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दो लेडीज हैं। आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि दोनों में मूर्ख कौन है। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। दोस्तों इन दोनों में से मूर्ख ये पहली वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसके हाथ में हॉट कॉफी है। हॉट कॉफी ये पी रही है और साथ में ही ये कोल्ड ड्रिंक भी पी रही है, जो कि टेबल पर रखी है। ये देखिए इस कोल्ड ड्रिंक पर लिपस्टिक का निशान है, मतलब ये दोनों एक साथ पी रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है और बॉडी के लिए हार्मफुल है। दोस्तों आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ, मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।